Assalamualaikum guys, welcome to 4G. मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है Lexus LX570. Thank you to City Car Center for making this review possible. अब मैं इसकी चाबी पे आऊं तो बहुत ही खूबसूरत इसकी चाबी है, पीछे लेक्सस लिखा आता है। यहाँ पे इसकी जो दूसरी सेपरेट की आती है उसका है बटन अनलॉक लॉक और बूट रेस। अब इसके दरवाजे पे आए तो 3 मेमोरी सीट्स हैं और यहाँ पे उसमें अनलॉक और लॉक का पता चलने का है। यहाँ पे वुडन पॉलिश हुई हुई है और इसका बहुत ही खूबसूरत एक कलर है इंटीरियर का मेहरून सा। मार्कली वेंसॉन का इसमें साउंड सिस्टम है, नीचे कप होल्डर और फाइल होल्डर आता है, यहाँ सारे मास्टर कंट्रोल्स हैं। हमें इसके साइड वाले बटन्स पे आऊँ तो उसमें हेडलाइट वॉशर्स का एक बटन आता है, ऑटो हेडलाइट्स का आता है, हेड्सअप डिस्प्ले ऑन ऑफ का आता है, सीक्रेट ट्रैक्टेबल का आता है, रडार ऑफ का आता है। अब मैं इसके इंटीरियर पे आऊँ तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। बहुत ही स्मूथ स्टार्टिंग है। जो इसका स्टेयरिंग व्हील है उसमें पेडल शिफ्टर्स आते हैं, यहाँ पे उसमें ऑडियो सेटिंग्स आ जाती हैं और यहाँ पे रडार सेटिंग्स, नीचे क्रूज कंट्रोल आता है अडेप्टिव, यहाँ पे ऑटो हेडलाइट्स हैं और यहाँ पे ऑटो वाइपर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं। जो इसका स्टेयरिंग व्हील है उसमें यहाँ पे बहुत ही लग्जरी स्टेयरिंग व्हील है, एयर बैग है, सेंटर में लेक्सस का लोगो और यहाँ पे सारी वुडन पॉलिश आती है और सेंटर में कोई सॉफ्ट मटेरियल है। वो स्टार्ट है, यहाँ पे पावर डोर्स का ऑफ का बटन आता है, रडार का आता है और ट्रंक का। जो इसका स्टेयरिंग व्हील है वो इलेक्ट्रिक पावर एडजस्टमेंट है।
अब इसके मीटर भी आए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत इसका मीटर है। 260 तक स्पीड लिमिट है, बैटरी का आता है कितने वोल्ट पे है, फ्यूल गेज आ जाती है, हीट गेज आती है, ऑयल की लाइफ आती है, और जो इसका RPM है वो बहुत स्मूद है। हैंड ब्रेक का साइन आ जाता है जो सेंटर में है, उसमें आउटसाइड टेम्परेचर आता है, डिजिटल डिस्प्ले, डिजिटल मीटर है सेंटर में, और रेंज का आ जाता है, और एवरेज वगैरह आ जाती है, 5 की एवरेज दे रहा है इस वक्त। यहाँ पे उसमें AC वेंट आते हैं साइड पे, वो वुडन आ जाती है, AC की थ्रो भी काफ़ी अच्छी है। अब मैं इसके सेंटर कंसोल में आऊँ तो बहुत ही खूबसूरत स्क्रीन है इसकी, रेक्टेंगल में काफ़ी बड़ी, उसमें यहाँ पे 2 AC वेंट्स हैं, सेंटर में इतनी लग्जरी क्लॉक है लेक्सस की, यहाँ पे AC वेंट्स की सेटिंग आ जाती है, ऊपर सारा वुडन है, एयर बैग्स आते हैं इसमें, यहाँ पे AC का आता है सारी सेटिंग्स, इंडिकेटर का सेंटर में आता है, हैजर्ड्स का, और ऑडियो सेटिंग्स आ जाती है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं, हैंड ब्रेक का आ जाता है, गियर बॉक्स आ जाता है इसका, यहाँ पे जो स्क्रीन है उसका माउस आता है, दोनों सीट्स पैसेंजर और ड्राइवर वेंटिलेटेड हैं, हीटेड भी और कूलिंग भी। यहाँ पे डिफलॉक का आ जाता है, क्रॉल मोड इसमें आता है, एक क्रॉल मोड होता है, अगर आपने रॉकी एरिया में गाड़ी चलानी है तो उसको ऑन कर लें, इसमें स्पोर्ट मोड्स हैं, वो कम्फर्ट है, नॉर्मल है, कस्टम है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स प्लस है। यहाँ पे इसमें डिफलॉक, ट्रैक्शन, वही बटन आ रही है। यहाँ पे इसमें हाइट एडजस्टमेंट आती है, ऑटो एयर सस्पेंशन है, और यहाँ पे उसके 4x4 के कंट्रोल्स आ जाते हैं। जो सेंटर आर्मरेस्ट है वो बहुत बड़ा है और अच्छे मटेरियल का है, और जब वो खुलता है तो सेंटर में इसकी LED का कंट्रोल आता है, और वो कूल बॉक्स भी बन जाता है। मैं इसके पैसेंजर वाली साइड पे जाऊँ तो वहाँ भी एयर बैग या ट्वीटर आता है, ऊपर रूफ में यहाँ पे लाइट आती है, और वैनिटी मिरर आ जाता है, सन वाइजर में यहाँ पे सनरूफ को आ जाता है, और जो इसकी लाइट्स हैं वो बहुत मज़े की है, उसको टच करो तो ऑन हो जाती है, टच करो तो ऑफ। ऑटो डिमिंग मिरर आता है, ड्राइवर साइड पे भी वही सेम सिस्टम है जो पैसेंजर साइड पे था। यहाँ पे गॉगल्स होल्डर आता है, वहाँ पे जो इसका ग्लव बॉक्स है काफी स्पेशियस है, इसके इंटीरियर का जो कलर है वो मेहरून विद पियानो ब्लैक है, और बहुत ही खूबसूरत लग्जरी इंटीरियर है इसका। अब मैं इसकी बैक सीट्स पे आया हूँ तो आगे से भी बहुत लग्जरी थी और पीछे से भी काफी लग्जरी है। पीछे अब सबसे आगे सीट पे पैसेंजर के लिए रियर एंटरटेनमेंट है, यहाँ पे ट्वीटर्स आते हैं, और वही मार्क लेवेंसन का साउंड सिस्टम है, वही मैरून टोन और पियानो ब्लैक और वुडन पॉलिश की जो आगे चल रही थी वही पीछे है। अनलॉक और लॉक के लिए वो पता चलने का है, इसमें रियर कर्टन्स भी आते हैं। यहाँ पे AC वेंट्स हैं, और ये सारे वॉल्यूम कंट्रोल्स आते हैं, नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग टॉप है। यहाँ पे इसका आर्मरेस्ट है, उसमें पिछली भी सीट्स वेंटिलेटेड है दोनों, और यहाँ पे ड्यूल जोन, 4 जोन है टोटल गाड़ी में, 2 जोन आगे 2 जोन पीछे, AC कंट्रोल्स आते हैं। यहाँ पे उसमें थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पे उसमें छोटी सी स्क्रीन भी है जिससे आपको पता चलेगा टेम्परेचर, ऊपर लाइट्स आती हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, AC वेंट्स हैं पीछे, और यहाँ पे फाइल होल्डर आता है।